हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। तुहाडा स्वागत है साडे चैनल इंडियन रैसपी ते। अज आपां तुहाडे नाल शेयर करांगे चौलां दी रैसपी। नमकीन वाले चौल बनावांगे अज आपां। उहदे लई समान आपां ने लिया, इत्थे आपां ने प्याज ते आलू, दो हरियां मिर्चां ते इह लसन छोटा छोटा कट लिया। इह आपणे कोल इक कौली चौल ने, इह आपणे कोल सोयाबीन दीआं वड़ियां ने, इह आपणे कोल रिफाइंड ऑयल है चौल बनाउण वास्ते, इह आपणे कोल काली मिर्च ते नमक आपां ने मिक्स कर लिया, इह जीरा है, इह आपां ने 2 चमच लिया दही, ते इह आपां ने पानी चौलां दे विच पाउण वास्ते लिया है। चलो जी हुण आपां वीडियो शुरू करदे हां। ते वीडियो शुरू करन तों पहलां तुहानूं सारिआं नूं रिक्वेस्ट है, प्लीज़ साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल लगदे बैल आइकन नूं प्रेस कर लो, तां जो कि आउण वाली साडी हर वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहानूं जल्द तों जल्द मिल सके। चलो जी करते हैं वीडियो शुरू। हाँ जी, इतने सब तो पहला आप सोयाबीन जिहड़ियां वड़ियां सीगियां 15 मिनट पहला ने आप भिओ के रख दियां सी, हुण आप इन्हां नूं निचोड़ लांगे। निचोड़ के विच दही मिक्स करके ते नमक मिर्च ऐड करके मिक्स करके रख लांगे। हाँ जी, इतने आपने सोयाबीन वालियां वड़ियां आप निचोड़ लियां ने, हुण आप विच ऐड करांगे दही। इहदे विच आपां ऐड करांगे नमक, आपां ऐड करांगे लाल मिर्च, हुण आपां इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लांगे। हाँ जी, इत्थे आपां ने सारा कुछ मिक्स कर लिया, हुण आपां शुरू करदे हां चौल बनाउणे। इहनां नूं आपां इस तरह ही रख लेंगे कुछ टाइम लई। हाँ जी, इतने आपने गैस ऑन कर लिया, हुण आपां विच पावांगे रिफाइंड ऑयल। हाँ जी, अपना रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया, हुण आपां विच पावांगे जीरा। हाँ जी, हुण आपां पावांगे लसुन। इहनां नूं आपां थोड़ा जिहा हल्का ब्राउन करांगे, उस तों बाद विच आपां ऐड कर देंगे अपने कट्टे हुए हरियां मिर्चां, प्याज ते आलू नूं। हाँ जी, इत्थे अपना लसुन हल्का जिहा ब्राउन हो गया, हुण आपां विच इह ऐड कर देंगे। हाँ जी, आप इन्होंने थोड़ा जहा हल्का ब्राउन करा, उस तो बाद आप ऐड करा सोयाबीन वाली बड़ियाँ। हाँ जी, इतने अपना सारा मटीरियल हल्का जहा ब्राउन हो गया, हूँ आप ऐड कर देंगे अपन सोयाबीन वड़ियाँ। नाल ही आपां विच ऐड कर देंगे अपना नमक ते काली मिर्च जो आपां मिक्स कीती सी। हाँ जी, हुण आपां इहनां नूं थोड़ा जिहा टाइम पकावांगे 1 तों 2 मिंट तक, उस तो बाद ऐड कर देंगे इहदे विच पानी, फिर आप चौल ऐड कर। हाँ जी, इत्थे आपने 1 तों 2 मिंट तक पका लिया, तुसीं देख सकते हो
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਲੀ ਲਈ ਸੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋ ਕੌਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਿਸਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਵਿਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਚੌਲ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।